हेलो दोस्तों, वी एडिटर में और फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं एडोबी प्रीमियर प्रो को एक वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ होगी, जिसमें हम बेसिक से लेके उसके कुछ हाई लेवल के प्रोग्राम तक हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एडोबी प्रीमियर प्रो में क्या सीखना है और क्यों सीखना है। तो एडोबी प्रीमियर बेसिकली वीडियो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये अच्छी अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अच्छे अच्छे एनिमेशन के साथ हम अच्छी सी एक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बात की जाए तो एडोबी प्रीमियर प्रो को टॉप में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादातर यूज़ होता है और बहुत ही इसमें अच्छी एडिटिंग होती है। तो बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की कि आपको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर अगर आप अपना पीसी या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी इसकी मिनिमम आपकी जो रैम की के इसकी रिक्वायरमेंट है वो 8 GB है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन 8 GB के साथ है, और अगर जितनी ज़्यादा रैम रहेगी और जितना अच्छा आपका CPU रहेगा उतनी अच्छी आप इसकी परफॉर्मेंस पाएंगे। तो यहाँ से हम एडोबी प्रीमियर प्रो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर CC 2019 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका होम पेज ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है एक प्रोजेक्ट तैयार करने की, तो हम सिंपली न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रोजेक्ट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे प्रोजेक्ट का नेम देना रहता है सबसे ऊपर, और प्रोजेक्ट कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो भी देना रहेगा। तो यहाँ से हम उस सारी डिटेल्स फिल करेंगे, और नीचे आपका अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ग्राफिक कार्ड्स का भी ऑप्शन देगा, लेकिन चूंकि मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड नहीं दे रहा है। तो यहाँ से हम लोकेशन चूज़ कर लेते हैं, कोई एक फ़ोल्डर आप चूज़ कर लीजिए और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो वहीं पे जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट रहेगा वहीं पे से होगा। तो यहाँ पे आपको और भी सारे मेन्यू मिलते हैं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे आपको टाइम कोडिंग और ये सब मिल रहा है, फॉर्मेट मिल रही है वीडियोज़ की, और कुछ कैमरे के कैप्चर्स के बारे में दिया गया है। तो ये सब हाई लेवल के थोड़े से प्रोग्राम के बारे में है, तो हम उसको आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम सिंपली सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद सिंपली नीचे से ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट में आपकी जितनी भी वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेजेस होती हैं उन सब को मिला के जो वीडियो फाइनली तैयार होती है उसी को प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ज़रूरी है कि आपका वीडियो ऑडियो हो, तभी आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अगर आफ्टर इफेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे आपका कंपोजिशन पे काम होता है, और प्रीमियर प्रो जो होता है वे सिक्वेंस पे काम करता है। जैसे आपकी वीडियो एडिटिंग जितना भी काम होता है वो सिक्वेंस पे होता है, यानी एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी वीडियो के बाद तीसरी वीडियो होती है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है कि वो आपका कंपोजिशन करना रहता है, उसमें इफेक्ट एडिटिंग, जो भी आपका साउंड इफेक्ट या जो भी ब्लर इफेक्ट जो भी लगाना रहता है सब लगाते हैं। लेकिन प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस पे काम होता है, प्लस आपका आफ्टर इफेक्ट का भी काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फाइनली प्रीमियर प्रो के होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगेगी इसकी जो डिज़ाइन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे अलग अलग आपको पैनल से मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको ज़्यादा फंक्शन मिल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी रहेगी तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर प्रीव्यू का पैनल मिल रहा है, नीचे टाइमलाइन का पैनल मिल रहा है, इधर साउंड का पैनल मिल रहा है, इसी तरह आपका इम्पोर्ट का पैनल मिल रहा है। इन सारे पैनल को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिधर चाहे इसको मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर। तो एक इसकी अच्छी बात है कि जिस पैनल को आप जहाँ पे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं, मेन्यू पैनल को या अलग अलग टूल्स के पैनल्स हैं उसको आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। और आगे हम बताएंगे कि कैसे इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, सिंपली इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, या न्यू सीक्वेंस अगर बनाना चाहते हो सीक्वेंस भी बना सकते हैं। सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो आपकी इंपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इस इंपोर्ट सेक्शन में डबल क्लिक करेंगे तब भी यहाँ आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे आपको सही लगे डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके यहाँ सिंपली आपको ओपन करना है, और आपकी वीडियो जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कुछ इस तरह से दिख रही है, आप इसका व्यू चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नीचे से क्लिक करके इसका थंबनेल देख सकते हैं, और अदरवाइज़ इसका सिर्फ नेम और फ्रेम रेट के हिसाब से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी क्लिप को देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको उसको ड्रैग करना होगा ऊपर सोर्स क्लिप में, तो आप उस क्लिप को ऊपर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लिप को आप वॉच करिएगा, और ज़रूरी
ज़रूरी नहीं कि पूरी क्लिप आपको यूज़ करना हो आपके वीडियो एडिटिंग में, तो सिंपली आप उस क्लिप को यहाँ पे ला के इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा सोर्स में। तो यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस सोर्स को आप जितने पार्ट को लेना चाहते हैं यहाँ से हम बताएंगे, यहाँ से फ़िट और अनफिट कर सकते हैं पूरी स्क्रीन के हिसाब से, 100% फिट है। इसी तरह आप इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, कितनी इसमें आप कई वाच कर सकते हैं। जैसे अगर ज़्यादा पे करेंगे तो आपका थोड़ा सा लैकिंग देखने को हो सकता है कि मिले, अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तब। 1/4 है तो ठीक है, फुल पे आप चाहें तो फुल पे भी कर सकते हैं, फुल पे थोड़ा सा आपका स्मूथली नहीं रहेगा, तो हम रिकमेंडेड कि 1/2 पे यूज़ करिए, क्योंकि 1/2 पे आपका सही रहता है, थोड़ा सा नॉर्मल यूज़ होगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ से कुछ क्लिप्स को लेना चाहते हैं तो सिंपली हम प्लेबैक हेड जो है वहाँ पे ले जाएंगे जितने जहाँ से आपको क्लिप को लेना है, और नीचे से आपका एक ब्रेकेट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली उस ब्रेकेट पे क्लिक कर दीजिएगा तो लेफ़्ट से आप उतनी क्लिप वहाँ से शुरू होगी। उसी तरह राइट में ले जाइएगा जहाँ से आपको क्लिप लेना है, उसी उसके बाद जो ब्रेकेट बंद है वहाँ से उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी उतनी क्लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से दो तरीके से आप इस क्लिप को अपने टाइम लाइन पर ले सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप इसको ड्रैग करके नीचे ला दीजिए पूरी क्लिप पर क्लिक करके, और दूसरा तरीका यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपकी और टाइमलाइन पे उतनी क्लिप जो आप सिलेक्ट किए थे या जितनी क्लिप आप कट किए थे उतनी क्लिप आपकी टाइमलाइन पे आएगी, ना कि पूरी क्लिप। तो इससे क्या होता है कि इसकी जो स्मूथनेस है बरकरार रहती है, पूरी क्लिप आएगी तो आपके सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और यहाँ से उतनी ही क्लिप आएगी तो आप उतनी क्लिप को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप क्लिप या जो भी आपकी टाइमलाइन पे जो भी फुटेज लाना चाहते हैं उस फुटेज को आप ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फुटेज यहाँ पे आ चुका है। अब इस पैनल को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको बड़ा करके इसको फिट अनफिट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इस पैनल को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल जो है वो सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी क्लिप्स या जो भी फुटेज हम इसके टाइमलाइन पे लाएंगे वो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इस पर जब माउस पॉइंटर ले आएंगे तो आपको वहाँ पर सीक्वेंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ये सीक्वेंस है। तो ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पे हम टाइमलाइन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे टाइमलाइन पे जो है फुटेज आ चुका है। अब टाइमलाइन पे ऊपर आपको वीडियो का, तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन पे ऊपर आपको वीडियो क्लियर मिल रही है, वीडियो जितने लेयर चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसी तरह नीचे आपको ऑडियो क्लियर मिल रही है, और साथ ही आप चाहें तो लेयर को उसकी जो हाइट है उसको कम बढ़ती आप यहाँ से राइट साइड से मेन्यू से इसको कर सकते हैं। तो ऑडियो की अगर एडिटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट बढ़ाएंगे तब आप उसके वेव को अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस फुटेज में कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई आपकी पिक्चर है या कोई ऑडियो है, तो सिंपली वही मेथड आपको यूज़ करना होगा। डबल क्लिक करके आप उस लोकेशन पर जाइएगा जहाँ पर आपकी फ़ोटोज रखे हैं। तो यहाँ से हम एक फ़ोटोज़ ले लेते हैं, सिंपली डाउनलोड में जाके हम इस एक फोटेज को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। अब फ़ोटो को यहाँ पे सिंपली उसी तरह आपको ड्रैग करना है, सिंपली आप उस फ़ोटो को पकड़िए और टाइमलाइन पे ले आके ड्रैग कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पे जैसे ही ड्रैग करेंगे यहाँ पे उसके ऊपर लेयर पे आएगा, क्योंकि ये ऑडियो नहीं है, ऑडियो रहता तो नीचे जाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पे ऊपर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, PNG फॉर्मेट में है, तो इसलिए आपका ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में आपका फ़ोटोज़ दिख रहा है। अगर आप किसी भी लेयर्स को हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, और कहीं पे मार्क लगाना चाहें तो ऊपर आपको मार्क भी एक ऑप्शन मिलता है। मार्क से क्या होता है कि कोई भी ऑडियो पे अगर कोई इस तरह का सिक्वेंस लगाना चाहते हैं तो मार्क लगा के हम अच्छी तरह से यहाँ पर एडिट हम उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं मार्क लगाने के बाद। यहाँ पे आपका प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिलते हैं प्ले हेड को कन्फर्म करने के लिए, तो यहाँ से उसको चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ऊपर आपको अलग अलग टैब मिलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे इसके स्क्रीन को सॉर्ट किया जाता है। जैसे लर्निंग का अलग से दिया गया है, उसी तरह असेंबली दिया गया है, उसमें भी उसके हिसाब से पैनल्स दिए गए हैं, उसी तरह एडिटिंग का दिया गया है पैनल्स, उस पर क्लिक करके आप एडिटिंग के जितने भी पैनल्स यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह कलर पे अगर काम करना चाहते हैं कलर का पैनल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कलर पैनल्स में आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं कि दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको कलर की अगर एडिटिंग करना है तो यहाँ पर आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह उसके हिसाब से अलग अलग पैनल से दिए गए कलर से अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंजेस करना तो कलर चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी ऊपर आपको और सारे पैनल से मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इफेक्ट का मिल रहा है, तो यहाँ से इफेक्ट जितने भी रिलेटेड पैनल से होंगे वो सब आपको खोल के नज़र आ जाएंगे।
तो इस तरीके से अलग अलग आप पैनल्स में जाके उस हिसाब से उसके स्पेसिफिक टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इफ़ेक्ट में आपको सारे इफ़ेक्ट्स के पैनल्स मिल रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी पैनल्स को चाहते हैं कि वो क्लोज़ करना, तो सिंपली उस पैनल पर राइट क्लिक करके आप उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पैनल क्लोज़ करना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करिएगा तो उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करके सब पैनल्स को आप वॉच कर सकते हैं और सारे पैनल्स को आप ड्रैग कर सकते हैं। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, तो इस पैनल को आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। इसी तरह अगर आप किसी पैनल्स को आप ऑन करना चाहते हैं तो विंडोज़ में जाके सारे पैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली इस पर टिक अनटिक करके आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से हमको सारे पैनल्स देखने को मिल जाएंगे। जिस पैनल्स की आपको नीड होगी उस पैनल्स को आप यहाँ से चाहें तो ऑन कर सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं एक ऑडियो पैनल से आगे। ऑडियो पैनल पे क्लिक करके आप ऑडियो का जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहे कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफिक पैनल में आपको मोशन ग्राफिक के पैनल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो भी इंट्रो हो सकता है, लोअर इंट्रो हो सकता है, तो यहाँ पे टाइटल्स के सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। सिंपली आप उसको ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे लाके उसको छोड़ना होगा और आपका जो भी फॉर्मेट रहेगा फॉन्ट का वो यहाँ से फाइच अप करने के बाद दे देगा। तो यहाँ दे रहा कि ये फॉन्ट आपके कंप्यूटर में नहीं है फिर भी यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली इस फॉन्ट पे आप डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं और इस फॉन्ट को या इस टाइटल्स को अपने इंट्रो या सब इंट्रो या लोअर इंट्रो की जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट पैनल जो आपका बचता है वो है आपका लाइब्रेरी। यहाँ पे अगर आप इसके अकाउंट बना चुके हैं अपने एडोब पे, तो यहाँ पे एडोब पे साइन अप करके उसके क्लाउड से आप कुछ इसके फुटेज ले सकते हैं। तो अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी ऑल पैनल को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके एरो पे क्लिक करके ऑल पैनल्स को एक दफ़ा में इसको अप्लाई कर देंगे तो सारा पैनल्स आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आई होप कि Adobe Premiere Pro 2019 का आपको इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था कि इसके विंडोज़ के बारे में था। अब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसे इस पर काम करना है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।